आज हम काजू कतली में बनाने के लिए 2 कप हमने काजू ले लिए और 1 कप चीनी। कोई भी मेजरमेंट से आप रेशो रखिएगा। उसके बाद 2 बड़े चम्मच हम मिल्क पाउडर लिए हैं। अब काजू को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, करके हमने 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड करने का भी हम रुक रुक के चलाएंगे, एकदम से नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारा ये ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए रुक रुक के पीसने से ऐसे होंगे। अब इसे हम छान लेंगे, स्टैंड ले लेंगे, बाउल ले लेंगे, हम इसे छान लेंगे। देखिए हमने इसे छान लिया। छानने के बाद जो मोटे दाने रहते हैं आप उसको दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिएगा, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का करी बनाने के लिए। अब इसको हम इसमें हमने जो मिल्क पाउडर लिए थे ना उसे इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, नॉन स्टिक पैन ले लिया है। अब इसमें हम चीनी को डाल देंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे। चीनी को पका लेंगे। हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखेंगे, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे हम। हम चाशनी को छू के देख लेंगे हाथ में कि हमारे एक तार की चाशनी बन रही है कि नहीं बन रही है। अभी तार नहीं बनी है तो थोड़ी सी और पकेगी हमारी चाशनी। ये देखिए हमारी एक तार की बन गई। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब इसको हमने जो पाउडर छान के रखे थे ना उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी डाल थोड़ी थोड़ी करके डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अब ये पकने लगा है। थोड़ा सा थोड़ी देर हम और पकाएंगे 2 मिनट के लिए। डोसा हमारा बन जाएगा, कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे। ये पेटुलर हम चेंज कर लेंगे, इससे नहीं हो रही है। हमारी डो तैयार हो रही है। बस 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए और ये करेंगे हम, पकाएंगे इसे। अब इस स्टेज में हम डालेंगे 1 चम्मच घी इसमें, जिससे हमारे कतली में शाइन आ जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएगा। कढ़ाई छोड़ने लगा। अब इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे इसी में ठंडा करेंगे थोड़ा सा। हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए गुलाब जल डालेंगे थोड़ी सी। आज अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है इसमें, आप चाहो तो और भी कुछ डाल सकते हो, चॉकलेट चिप्स वगैरह भी डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो। देखिए फ्रेंड ये डो जैसा हो गया हमारा, जैसे जैसे ठंडा हो गया। अब इसको हम एक पन्नी में, ऐसे मोटे पन्नी रेडीमेड में मिलते हैं या कोई कपड़ों का भी होता है, उसमें हम घी लगा लिए। अब इस डो को हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा काजू कतली बन के रेडी हो गया है। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा बना है। हम इस तरह से मसलते जाएंगे। मसलने से क्या इसका कतली का हमारा अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा, चमक आ जाएगी। देखिए कितना बढ़िया से देखिए बहुत ही अच्छा हमारा डो, काजू कतली का डो तैयार हो गया। अब इसे हम स्क्वायर शेप में थोड़ा सा बेल लेंगे।
देखिए इसको स्क्वायर शेप में मैंने कर लिया। अब दूसरे पॉलीथीन में हम पॉलीथीन डाल देंगे पन्नी, और इसको हल्के हाथों से हम शेप देके दे, आप जितना इच्छा हो आपके अनुसार पतला दे दिएगा, मोटा रखना चाहे मोटा रखें, पतला रखना हो पतला कीजिए। हम इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा देंगे जिससे हमारा वर्क अच्छे से चिपक जाए, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, खाली वर्क चिपकने के लिए हम हल्का से पानी का, बस अब हम चार वर्क को हम संभाल कर लगाएंगे। ये हमने ऐसे लगा दिया, ये देखिए पानी का वर्क लगा दिया। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक घंटे के लिए रखेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे हम। देखिए ये हमारा काजू कतली का ठंडा हो गया, अब इसे हम कट कर लेंगे। पहले साइड से थोड़ा सा निकाल लेंगे हम, पहले हम सीधा सीधा ऐसे काट लेंगे, थोड़ा नरम है। देखिए हम अब अच्छी तरह से कट कर लेंगे, इतनी सॉफ्ट और इतना नरम हमारे कतली बने हैं। देखिए एक पीस हम निकाल के दिखा रहे हैं, इतने सॉफ्ट है कि क्या बोलूँगी, बहुत ही लाजवाब हमारे कतली बन के रेडी हो गए। देखिए मैं एक पीस दूसरा पीस तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट। अब इसके हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए